अरुणाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं व 11वीं कक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड सचिव डॉ. मधु चौधरी ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 9वीं व 11वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक व कंपार्टमेंट विषयों की परीक्षा के संचालन के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तिथि निर्धारित कर दी है। 9वीं की परीक्षा 3 से 20 मार्च तक व 11वीं की परीक्षा 3 से 5 मार्च तक होगी। परीक्षा का समय दोपहर बाद 12:45 से शाम 4 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा में कुल 94,487 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 11वीं कक्षा के कुल 87,572 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 9वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से आरंभ होकर 20 मार्च तक होंगी और इसमें कुल परीक्षार्थी 94,487 बैठेंगे। 11वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेंगी और इसमें कुल मिलाकर 87,572 परीक्षार्थी बैठेंगे और ये परीक्षाएं जो है इवनिंग सत्र में आयोजित की जाएंगी, जिसका समय रहेगा 12:45 से 4 बजे तक। हाँ बिल्कुल, इसमें 9th और 11th की जो है वो कंसर्न्ड स्कूल्स ही, सिर्फ बोर्ड जो है सिर्फ पेपर्स ही प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो भी मानक होते हैं परीक्षाएँ आयोजित कराने के वो पूरी तरह से उनको कन्वे होते हैं। ये जो 9th और 11th की हैं ये तो हमारा कल ही जैसे डेट शीट्स हमारी वेबसाइट पे डल गई है और सारा मैंने ब्यौरा आपको दे दिया कितने परीक्षार्थी। इसके अलावा अब हमारा अगला रूट रहता है इनको डिस्पैच करने का, तो वो भी जल्द ही कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर्स को भी निर्देश दिए जाते हैं कि कब आपका हमारा जो एग्जामिनेशन मटेरियल पहुंचेगा, तो अकॉर्डिंगली उसको सेफ कस्टडी में लें और जिस दिन 3 मार्च से ये परीक्षाएँ शुरू होंगी तो अकॉर्डिंगली उनको जो है आयोजित करवाएँ, क्योंकि ये स्कूल के लेवल पर ही होती हैं तो इसमें बोर्ड जो है सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही उपलब्ध करवाता है। इसमें हमारी अपनी बोर्ड की परीक्षाओं जो कि 10वीं और प्लस 2 की रहती हैं, तो जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारे 2180 अभी तक जो है रेगुलर के सेंटर्स हैं, उनमें सही तरीके से जो है सीसीटीवीज का संचालन हो, इस हेतु हमने 15 फरवरी को पहले ही ऑल हेड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स को लिख दिया है कि इनको दुरुस्त करें, कहीं पे अगर कोई कमी है या वो हमें इंटीमेट करें, इनको फंक्शनल करें। और दूसरा, हमारे बोर्ड हेडक्वार्टर लेवल पे भी हम किसी भी स्कूल को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के माध्यम से जो है मॉनिटरिंग पे ले सकते हैं।